अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो एक कहानी पे बार बार कई फिल्में हिट दे दे। एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो सड़क पे चलती हुई लड़की को टॉप की हीरोइन बना दे। शायद इसकी मुझे तलाश थी और ये तलाश मेरी आज खत्म होती है। ये लो, तुम भी खुश आओ। मेरा मतलब है, तुम कौन हो? मैं आपकी नई फिल्म की हीरोइन। मेरी फिल्म में काम करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। देखिए, आप जो चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं आपको बिल्कुल नहीं खुजाऊंगी। खैर वो छोड़ो, चलो मेरी फिल्म की कहानी बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, कहानी कुछ इस कहानी मेरी लाइफ पर है। ये भी देखिए, मैं ऐसी गंदी फिल्म में काम नहीं कर सकती। गंदी? इसमें गंदी होने का सवाल नहीं था। इस फिल्म में एक ही किसिंग सीन है, एक ही बेडरूम सीन है और एक ही रेप सीन है। इतनी बोरिंग लाइफ है आपकी। खैर, लेकिन मैं सिर्फ उसी फिल्म में काम करती हूँ जिसमें कम से कम 12 किसिंग सीन, 6 बेडरूम सीन और 3-4 रेप सीन हो। लेकिन मैंने जो इंग्लिश फिल्म की डीवीडी देखी है उसमें तो एक एक ही सीन है। इंग्लिश फिल्म? लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये आपकी लाइफ की कहानी है। फिल्म में तुम्हारी एंट्री कुछ ऐसे होती है कि हेलीकॉप्टर आता है, तुम छत पर उतरती हो और हेलीकॉप्टर से तुम बाहर आती हो और तुम्हारे बाल लहराने लगते हैं। इतनी गंदी एंट्री। छी, मेरी एंट्री एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, बाथटब से नहा कर निकलते हुए। मैं अच्छी तरह जानता हूं, ठीक है, तुम्हारा नहाने का सीन रख देते, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारी एंट्री बाथटब में नहीं बल्कि एक झरने के नीचे होनी चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए मैं डबल चार्ज करूंगी। क्यों? मैं आउटडोर में नहाने के डबल पैसे लेती हूं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। बट फाइनल, अगले सीन में तुम्हारी मुलाकात हीरो से होती है। कॉफी शॉप में। लेकिन मेरी तो पिछली 70 फिल्मों में मेरे हीरो से मुलाकात सिर्फ स्विमिंग पूल में होती आई है। अगला सीन सुनो। तीसरे सीन में रेप होगा। क्या है ना कि मेरी हर फिल्म के तीसरे सीन में रेप होता है, तभी तो चौथे सीन तक मेरी ऑडियंस टिक पाती है। कहानी मेरी लाइफ पर है, इंग्लिश फिल्म की डीवीडी मैंने देखी है, रेप मेरी मर्जी से होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी सारी फिल्म्स आपकी लाइफ पर होती है ना, तो आपकी फिल्म का हीरो खुद जाता क्यों नहीं है? बकवास बंद करो। देखिए, आप हाइपर मत होइए, आपकी खुजली बढ़ने लगती है। आपको मैं बिल्कुल नहीं खुजाऊंगी। अरे तुम, कोई और खुजाए ना खुजाए, लेकिन खुजली जाने का नाम ही नहीं लेती। कंबक पता नहीं है खुजली का। आपकी खुजली खत्म होगी कैसे? इधर उधर जो खुजाते रहते हैं, जहाँ होती है वहाँ खुजाइए ना, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।